अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के रामनगर में और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का आज लोकार्पण है। मल्टी मॉडल टर्मिनल देश का पहला ऐसा टर्मिनल होगा जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी स्वयं करेंगे। और आज दो कार्यक्रम है उनका, पहला रामनगर में और दूसरा बाबतपुर 4 लेन का फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। मोदी जी को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे और ऐसा माना जा रहा है ये कार्यक्रम लगभग 2 बजे से शुरुआत होगा। मैं अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश .org। जी हाँ, अवश्य होगा। प्रधानमंत्री जी का ये सराहनीय कार्य है कि जो हम लोग के नगर क्षेत्र में जो है इतना बड़ा बंदरगाह का जो कि जिससे व्यापार बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, रोज़गार और मुहैया कराएंगे और आगे धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पे भी जुड़ा जाए। वहाँ यदि माल आएगा वो व्यापार होगा तो अवश्य आप जान रहे हैं कि माल ढुलाई के मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है और कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें A to Z जितने भी मतलब कारीगर होंगे कुछ ना कुछ इनका तो रहेगा, आदमी की आवश्यकता तो पड़ेगी, इसलिए उनकी आवश्यकता जो कि मजदूरों को मिलेगा, पैसा मिलेगा जो मोदी जी की सराहनीय कार्य है। और ये बनारस के लिए वो अब तक की सबसे बड़ी योजना का जो कि उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 24,000 जो कि करोड़ रुपए का जो कि आज सौगात देने वाले हम लोग प्रधानमंत्री का SSC प्रधानमंत्री को हम लोग मिलते धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। टीवी में देख लिया जाते हैं, जैसा कि लोगों का कहना है कि हाँ मल्टी मॉडल टर्मिनल के बनने से वाकई में रोजगार में वृद्धि होगी। मैं अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश .org।